बलिया जिले का नरही थाना प्रकरण अभी शांत नहीं हुआ है। पिछले महीने जुलाई में जो रेड पड़ा था, जो भरौली गोलंबर पर जो छापेमारी हुई थी एडीजी और डीआईजी के संयुक्त टीमों द्वारा जो छापेमारी हुई थी, जिसमें मौके पर जो लोग टोटल 21 लोग जो हिरासत में लिए गए थे, उसमें कुछ ऐसे भी लोग थे जो निर्दोष थे, जो मंदिर में सोए थे, जैसा कि वहाँ के लोगों ने बताया, वो भी उनके ऊपर कार्रवाई कर दी गई। लेकिन सवाल अब ये उठने लगा है राजनीतिक गलियारों में, ये बड़ी मछली पुलिस के पकड़ से क्यों बाहर है। जब उस सवाल कुछ लोगों से किया गया तो उन्होंने बताया कि बड़ी मछली आज भी पुलिस के गिरफ्त से बाहर है, क्योंकि दलाली का, पशु तस्करी का सबसे बड़ा दलाल कौन है जो पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। हालांकि डीआईजी और एडीजी ने जाल बिछाया है पकड़ने के लिए, लेकिन अभी भी पुलिस के बिछाई हुई जाल में बड़ी मछली नहीं फंस पाई है। और जहां पुलिस बहवाई ले रही है कि हमने कार्रवाई की है, बहुत बड़ी कार्रवाई की है, एसओबी पन्नेलाल भी हिरासत में है, जेल में है, लेकिन कोरंटा डी के प्रभारी राजेश प्रभाकर आज भी फरार चल रहे हैं। अब जो रात को जो रेड पड़ा, उसमें कुछ ऐसे लोग पुलिस के हाथ लगे जो निर्दोष टाइप के लोग थे, लेकिन छापेमारी में उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ ऐसे लोग हैं जो चर्चा थी, दो तीन ऐसे लोग हैं जो मंदिर पे सोए थे, पुलिस ने उनको भी गिरफ्तार कर लिया, जैसा कि चर्चाएं हैं, लोग कह रहे हैं। अभी सिलसिले में बात होगी, लेकिन पुलिस के पकड़ से ऐसे लोग क्यों बाहर हैं जो अभी भी पुलिस उनको पकड़ नहीं पाई है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी ठीक से नहीं कर पाई है। लेकिन कई लोग अब सवाल ये खड़ा करने लगे हैं कि आखिर पुलिस की बिछाई हुई जाल में बड़ी मछली क्यों नहीं फंस पा रही है। अब सवाल एडीजी से और डीआईजी से भी लोग करना शुरू कर रहे हैं कि पुलिस को अब 1 महीने हो गए, लेकिन उस वक्त जो कार्रवाई हुई, उस वक्त लोग गिरफ्तार किए गए, उसके बाद अभी तक और किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसको लेकर नरही क्षेत्र में, भरौली क्षेत्र में, बलिया में चर्चाओं का विषय बना हुआ है। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक इतना ही, जुड़ रहे हमसे बलिया आजकल से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।